यार मैं अभी अभी आया हूँ घर बिल्कुल, और मुझे 5 मिनट हुए आके। बस मैं अब नहाने की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और सदर में घूम घूम के हो गई है मेरा दिमाग ख़राब। तो अब बस फ्रेश होते हैं और थकन दूर करते हैं अपनी। पढ़ने लगा हूँ मैं इशा की नमाज। यार मैंने दुआ भी मांग ली अल्लाह ताला से, नमाज भी पढ़ ली इशा की, और बस दुआएं कबूल फरमा दे, आमीन। चलो जी, लाइट भी नहीं है अभी, बस खाना खाऊंगा मैं थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं जा रहा हूँ शॉप पर। अल्लाह पाक आज का दिन बहुत अच्छा सा गुजर जाए, दुआ है मेरी, आमीन। शाम पे नाश्ते का टाइम हो चुका है। टूट भी गया यार। हाँ बस जा रहा हूँ, बहुत मुश्किल होती थी ना आने जाने में। वो तो पता है मुझे, लेकिन इतना जल्दी तोड़ दिया यार आपने। मुझे अभी तो तुमने बोला है कि फियाज भाई आए हुए हैं और इतना जल्दी आकर टूट भी गया। अच्छा ध्यान देना भाई, यहाँ पर करंट है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो यार फाइनली फियाज भाई आ चुके हैं और अब हम इनको बता देते हैं कि जो आपने असल काम करना है ना वहाँ पे करना है, उस कोने में। हाँ, वहाँ पर हमने बनाना है रैबिट मड हाउस, मतलब मिट्टी का घर बनाना है खरगोशों के लिए, सही है? यार फियाज भाई आप कुछ देख रहे हैं क्या? पता इनके माइंड में कुछ ऐसा आइडिया हो जो हमें फिर अच्छा लगे। यार पत्नी कैसा बनाएंगे जो कि बहुत ही प्यारा है। अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। तो यार रैबिट हाउस के लिए हम ये वाले इनको क्या कहते हैं, मटके कहते हैं ना, बट इसके लेके आ गए हैं तो इसके अंदर हमारे रैबिट देंगे बच्चे। कुछ नया स्टाइल बना रहे हैं यार, पहले जो बनाते थे वो ठीक के होते थे। चल यार अभी चल, हर चीज को मजाक बना। ये 4 मटके हैं, उसके बाद आप लेके आना है हमने नीचे से पाइप। पाइप भी लाने? हाँ पाइप आ गया है ना, वो देखो सामने रखा हुआ है। यहाँ पर हो एक उस कोने में हो, बस प्यारा बनने वाला था, बहुत प्यारा बनने वाला भाई। हम रैबिट के बच्चों को आराम से देख पाएंगे यार। हम ना अंदर पाइप की लाइन बिछा रहे हैं, रैबिट्स यहाँ से गुजरेंगे और डायरेक्ट मटके में। अभी देखते हैं ना क्या करते हैं आगे। तो हम फिर मिनी जू में आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो क्या हो रहा है ये देखिए, यहाँ पर आगे चल के देखो।
तालाब सा बना लेते हैं, पानी पीने यहाँ पर क्लियर है ना। कभी इसको लेवल किया अच्छा लग रहा है उसके बाद हमारा ये जो कबूतर हमारे मिनी जू वाले हैं इनको भी परशिप करना है, ये जो कोई तरह से बेचारे क्यों इधर भी ठीक है जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए आता हूँ मैं इधर आपसे वो कर ली घुसना बना तो मैं अब ले रहा हूँ यहाँ से दूध और दूध लेके जा रहे हैं और दो ना मजाक तो अब आ गई ये मंजिल रोज की तरह और फटाफट से जाना है मैंने नाश्ता लेना है फिर शॉप पे वो सामने बैठा हुआ ये बोलता है ये मेरी जगह है यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। मैं एक अरे लगा हूँ आप नाश्ता में लेकर आ चुका हूँ पुनः एंड मेरे दाल है पराठा है और चाय है और एक फ्रेंड भी आया है माशाल्लाह आज तो इमरान आया हुआ है ये बहुत चुपचाप रहता था ज़्यादा नहीं बोलता है और अरसलान को तो पता है आपको कैसा है वो तो बस अभी चुपचाप नाश्ता करते हैं हम लोग नाश्ता करोगे चलो भाई फिर करते हैं नाश्ता एंड ये चाय पिएगा बोल रहा है मुझे चलो इससे मैंने पहले पूछा था कि नाश्ता कह रहा नहीं चाय पीने से ये चाय लाया और हम करते हैं नाश्ता हम सब आप और मैं आप कीजिए सुभान अल्लाह सब्ज़ी भी मैंने अभी यहीं से ले ली छोटे से और सही है सामान वालेकुम ठीक ठाक यार देना गोश्त बस खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा और आप ठीक हो गोश्त निकाल देना हमारा भी एक जगह निशान भाई तैयारी कर लिया हाँ यार जल्दी जल्दी करते हैं काम और निकलते हैं यहाँ से मेरा तो दम घुट रहा है दुकान में क्योंकि इसलिए दम घुट रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ शहर में चला नमाज पढ़ने जोहर की यार बड़ी बोरियत हो रही है आज अरसलान नहीं है और इमरान भी कुछ बोल नहीं रहा दोपहर हो रही है हम लोग कर रहे हैं लंच का इंतज़ार काफ़ी देर से बैठा हूँ मैं अभी आया जोहर की नमाज पढ़ के तो बस बैठा हुई हूँ शॉप पे क्या इरादा है मुस्कुराते रहते हो बस कुछ तो बोलो मुझसे बैठे हैं फिलहाल के लिए गर्मी हो रही है ऐसी बात है यार इतनी बोरियत होती है इस टाइम पे अजीब सा हो रहा है कुछ
अभी लंच का इंतज़ार है, फिर करेंगे थोड़ी देर में लंच। और ये टाइम भी ऐसे ही होता है कि धूप भी हो रही होती है बाहर, अजीब सा हो रहा था। क्या कर सकते हैं इस टाइम पे यार। अभी हो गया दोपहर का टाइम और ये लाल वाले शरबत से शुरुआत हो गई है हम दोनों की। टीम राज नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा। लंच भी तैयार है और लंच में लौकी गोश्त का सालन, चावल और रोटी। चलते हैं और करते हैं लंच। अब हम लोग खाना खाने लगे हैं दोनों, मेरा व्लॉग भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। और लंच तो आपको बताया मैंने क्या बना हुआ है, तो लंच पे ये सब कुछ है माशाल्लाह। पहला निवाला तो मैं आप लोगों को दूँगा, लौकी गोश्त का सालन और आपके लिए रोटी के साथ। चलो तो यार एक्सरसाइज में कर लेता हूँ, अभी टाइम हो चुका है एक्सरसाइज का। दोस्तों अब फर्क देखिए मेरा बॉडी में एक्सरसाइज कर करके कैसे हो गया। आज वैसे दूसरा दिन है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फर्क फिर भी देख लूँगी। माशाल्लाह अच्छे बन रहे हैं। चेस्ट बन रही है टाइटर माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। और मेरे पर्स बन गए माशाल्लाह से, दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज कीजिए मेरी और इस्तेमाल कीजिए। जिशान भाई असर का नमाज हो रही है, नमाज का तैयारी कर लो। फिर मिलते हैं आपसे असर की नमाज पढ़ के। मेरी आँख लग गई थी दोस्तों, देखिए अभी भी मुझे नींद ही आ रही है, नींद में हूँ, ऐसा ही हो डुल रहा हूँ नींद में। चलता हूँ फिर मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। तो अब मैं करने लगा हूँ ब्लॉग का एंड, क्योंकि ब्लॉग में डालने के लिए कभी नहीं है कुछ भी। और मेरे सारे काम भी हो चुके हैं, आज का दिन भी माशाल्लाह से पास हो चुका है। तो बस अब व्लॉग का एंड करते हैं। मैं आता असर की नमाज़ पढ़ के और बैठा हुआ था, सोचा मेरे लिए व्लॉग का एंड कर दिया जाए। अभी कुछ देर बाद मगरिब होगी, जाऊँगा मैं
नमाज पढ़ने के लिए अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है अभी नहीं, तो अभी बैठते हैं थोड़ा सा गपशप इसके साथ लगाते हैं। और ये थी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक मेरे और आपके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए मुझे मेरी तरफ से और इसकी इमरान की तरफ से आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।